जय हिंद प्यारे दोस्तों। दिल्ली में दोस्तों बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आउट हुई है मात्र 10वीं पास के कैंडिडेट के लिए। अगर आप 10वीं पास हैं, फ्रेशर्स हैं, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है, यानी कि दिल्ली के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट है 50 दोस्तों, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइजमेंट बताएंगे सारी अपनी वीडियो में कवरअप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है। लेकिन दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, पहले आपकी इनिशियली पोस्टिंग यहां पे होगी, लेकिन आपका ट्रांसफर भी हो सकता है किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। देखो दोस्तों कितनी अच्छी जॉब निकली, और पोस्ट की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट का नाम है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, अप्लाई भी जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट निकली है ये 10th पास में आ गया है। देखिए दोस्तों जब आप एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करते हो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कॉलम में मेंशन किया गया है कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, और नीचे और करके लिखा गया है कि आपने ITI भी की होनी चाहिए। देखिए दोस्तों और का मतलब होता है या तो 10वीं पास या फिर आपने ITI की हुई है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सिंपल 10वीं पास है तो आप एलिजिबल हैं। उसी के नीचे दोस्तों अब हम देखते हैं कि सैलरी की बात करी गई है, 19,291 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं SC ST OBC को एज पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सारे एज रिलैक्सेशन मिलेंगे दोस्तों, इस चीज को ध्यान से रखना। इसके बाद बात करते हैं जो वैकेंसी निकली है किसके थ्रू निकली है, ये ICSIL के थ्रू निकली है, यानी कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के थ्रू निकली है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इस चीज को अच्छी तरीके से समझना। मैं आपको बताना चाहता हूं जो अप्लाई करने का तरीका रहेगा, इनका एक विंडो स्लॉट ओपन होगा जो कि होगा 23 अगस्त 2021 को दिन में 12 बजे ओपन हो जाएगा, और वो ओपन रहेगा 24 अगस्त 2021 को दिन में 12 बजे तक। यानी कि जो इनके ऑनलाइन विंडो होगी, अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो 24 घंटे के लिए ही एक्टिवेटेड रहेगा, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर कर देना और अच्छी तरीके से अप्लाई करना, मैं आपको आगे जो जो चीजें बताने जा रहा हूं। जब दोस्तों आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बिहाफ पे होगा वो आपको बता देता हूं। इसमें पहले जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करेंगे, जब उनको सुटेबल कैंडिडेट्स मिलेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे अपने जो सेंटर पे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वहीं पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसी में डिसाइडेबल होगा कि आपको रिक्रूट करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। वहां पे आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, सारे ओरिजिनल भी ले जाने हैं, फोटोकॉपीज भी ले जानी है सेल्फ अटेस्ट करके दोस्तों। ये जब आप वहां पे जाते हैं, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन देते हैं उसमें लिखा गया है कि 1 time रजिस्ट्रेशन फीस 1000 एट द टाइम ऑफ फाइनल ज्वाइनिंग। अगर वो आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में। दोस्तों काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें काम क्या करना होता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसमें मेंशन करा गया है कि आपको काम क्या क्या करना होगा, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, आपको फिजिकल मेंटेनेंस करनी, यानी कि फाइल वगैरह का आपको ध्यान रखना है, उनकी देखरेख। इसके बाद जनरल क्लीननेस एंड अपकीन ऑफ द सेक्शन। देखिए दोस्तों सेक्शन को आपको साफ सुथरा देखना है, उसको सही तरीके से मैनेज रखना है। लिखा है दोस्तों केयरिंग फाइल फाइल एंड अदर पेपर्स, आपको फाइल्स वगैरह मूवमेंट करनी है। इसके बाद लिखा है फोटोकॉपी सेंडिंग फाइल वगैरह, ये देखिए दोस्तों फोटोकॉपीज वगैरह ये सारा काम मल्टीटास्किंग स्टाफ का ही रहेगा। अदर नॉन क्लेरिकल वर्क विल बी सैंक्शन यूनिट, जो आपको वर्क दिया जाएगा सैंक्शन या यूनिट के द्वारा आपको वो वर्क भी करना होगा। इसके बाद लिखा गया है असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइकली डायरी डिस्पैच, ये डायरी डिस्पैच वगैरह भी आपको करना होगा, इंक्लूडिंग कंप्यूटर वर्क, ये सब आपको करना होगा। इसमें और मेंशन किया गया है कि वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, इसमें लिखा है क्लीनिंग रूम, डस्टिंग, ये सब वर्क दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ का। लिखा गया है दोस्तों ड्राइविंग ऑफ व्हीकल इफ इन इन पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो आपसे ड्राइविंग भी की जा सकती है। अपकीन ऑफ पार्क लॉन एंड प्लांट्स, दोस्तों ये सारी चीजें इसमें मेंशन है, आप उसको रीड आउट। इसके बाद बात करते हैं पक्की सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। ये प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, ये पक्की सरकारी नौकरी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया इंटरव्यू बेस आपकी जॉब रहेगी दोस्तों, इसको अप्लाई जरूर कर देना, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के ऑफिस में काम करने का आपको सुनहरा अवसर मिल रहा है मात्र 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।